सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आज की डेट में यदि आप सोच रहे हैं पुर्तगाल में जाने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आज की डेट में जो TRC का प्रोसेस था वो काफ़ी जो है फास्ट हो चुका है पहले से। आज से कुछ टाइम पहले जो प्रोसेस टाइम था वो 2 साल तक चला गया था, कि यदि आप आज की डेट में वहाँ पे TRC डालते हैं तो जो सेफ से ईमेल आ रही थी बायोमेट्रिक के लिए वो काफ़ी डिले हो रही थी। वो एक एक साल बाद, डेढ़ डेढ़ साल बाद आ रही थी, और उसके बाद जो अपॉइंटमेंट थी वो काफ़ी दिनों बाद की मिल रही थी। तो बट अभी उन्होंने जो अपने स्टाफ की है स्ट्रेंथ वो काफ़ी बढ़ा दी है, नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ चुके हैं। सेफ ने अभी काफ़ी काम ऑनलाइन कर दिया है, और उसके बाद सेफ के जो काफ़ी ऑफिस हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। सेफ एक्चुअल में सेफ क्या है कि इमिग्रेशन ऑफिस है जिसका नाम सेफ है पुर्तगाल में। यदि आप पुर्तगाल में जाके अपनी TRC के लिए अप्लाई करते हैं तो सेफ में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो सेफ के जो ऑफिस है वो बढ़ चुके हैं, पहले से नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ चुका है, और जो ईमेल्स आने का ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी फास्ट हो चुका है। अब जल्दी ईमेल्स आनी शुरू हो गई हैं। अभी जाने का सही टाइम इसलिए, यदि आप जाके अभी अप्लाई कर देते हैं तो काफ़ी फास्ट है, तो हो सकता है आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर ईमेल आ जाए, और आपका जो प्रोसेस पहले 2 साल तक का था वो अब फास्ट होके 6 महीने या 1 साल के अंदर आ जाए। और हो सकता है कि अभी 2 से 3 महीने बाद यही प्रोसेस जो है और भी फास्ट हो जाए, और ये PR जो है वो 3 से 6 महीने के अंदर होनी शुरू हो जाए। तो पुर्तगाल में यदि आपका प्लान है टेम्परेरी रेजिडेंस लेने का, और उसके बाद PR लेने का, फिर उसके बाद अपना रेड पासपोर्ट लेने का, तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है। पुर्तगाल का वीज़ा लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट शेंगेन में काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपन है आज की डेट में, आप उनका वीज़ा लेके पुर्तगाल जा सकते हो। जैसे कि आज की डेट में स्विट्जरलैंड ओपन है, स्विट्जरलैंड का वीज़ा ले, स्पेन का वीज़ा ले, और इन कंट्री से यदि आप वीज़ा ले लेते हैं तो उसके बाद आप वहां से पुर्तगाल चले जा सकते हैं, क्योंकि शेंगेन वीज़ा पे आप पुर्तगाल भी ट्रैवल कर सकते हैं। और पुर्तगाल जाके आपको फिर क्या है कि वहां की जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उनको फॉलो करना है। आपने वहाँ पे अपनी एंट्री करानी है, और उसके बाद आपने पुर्तगाल में अपने पेपर जो है वो लॉक करने हैं। तो आप लीगल एंट्री कर देते हैं और उसके बाद अपने पेपर लॉक कर देते हैं, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और फिर आपको तो वेट करना है अपनी ईमेल का कि कब ईमेल आए, और उसके बाद आपने बायोमेट्रिक देने हैं, देन आपकी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बन के आ जाता है। उसके बाद आपको 4 से 5 साल के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड भी मिल जाता है, फिर उसके बाद आप अपना रेड पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रेड पासपोर्ट की बात करें यदि पुर्तगाल के, की काफ़ी वैल्यू है इसकी, और आप रेड पासपोर्ट पे UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, US बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट है आज की डेट में यदि आप पुर्तगाल का पासपोर्ट लेते हैं। और पुर्तगाल का पासपोर्ट जो रेड पासपोर्ट है, रेड पासपोर्ट लेके आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी अपना बिजनेस, अपनी जॉब कर सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जस्ट वहाँ पे जाके रेजिडेंस कार्ड लेना है, तो बहुत इजी प्रोसेस होता है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता है। ये इंटायर यूरोप में आप किसी भी अदर कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। आपके पास यदि पुर्तगाल का पासपोर्ट है तो आप किसी भी अदर शेंगेन कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यदि आपका प्लान है पुर्तगाल में मूव होने का और जल्दी PR लेने का, तो बहुत सही टाइम आ चुका है, और उसके लिए आपको बेस्ट है कि आप शेंगेन का टूरिस्ट वीज़ा जो है आज की डेट में अप्लाई करें। और अभी जो शेंगेन का टूरिस्ट वीज़ा की सक्सेस रेट है वो काफ़ी बढ़िया चल रही है, और काफ़ी बढ़िया इसमें से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आपका भी ऐसा प्लान है जाने का तो बिल्कुल सही टाइम है, अभी आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।